लावा जी, आप सरकारी नौकरी के बाद, ऊंचे प्रशासनिक पद पर रहने के बाद राजनीति में आए, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी राजनीति में? तो राजनीति में मेरा आना कोई लाभ कमाने की बात नहीं है। मैं राजनीति को सेवा भावना के रूप में देखता हूँ, और राजनीति एक सेवा ताकत है किसी भी काम के करने की। राजनीति के बगैर आप कोई सेवा भावना की बात सोचें वो भी नहीं हो पाती। दामा जी, आप कांग्रेस से जुड़े हैं, और लगभग 25 साल पहले राजीव गांधी ने इस देश के सरकारी तंत्र को निशाना बनाते हुए बात कही थी कि ऊपर से हम 1 रुपया लोगों के इमदाद के लिए भेजते हैं और नीचे केवल 10 पैसा पहुंच पाता है। ठीक बात है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस के नए नेता राहुल गांधी ने लगभग उन्हीं बातों को दोहराया है। तो आप कैसे सोचते हैं कि जो लाभ, जो सरकारी योजनाएं समाज के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, उनसे आम आदमी को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है? देखो, गवर्नमेंट ने जब हरियाणा सरकार को, जो केंद्र की सरकार, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए बहुत योजनाएं, और जिनमें करोड़ों अरबों रुपये का बजट का प्रावधान है। जो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी, कि राजीव गांधी ने कई वर्षों पहले जो बात कही थी, उसी मुद्दे को राहुल जी ने अब उठाया, और उसी बात को लेकर के जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, और जिले के प्रधान बी आर ओझा जी ने मुझे कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने प्रोग्राम चेकआउट किया, और ठीक उसकी इंस्पिरेशन जो है वो राहुल गांधी से ली। जैसे राहुल गांधी ने भी मान लिया कि जो केंद्र की सरकार जो भी जन कल्याणकारी नीतियाँ लागू कर रही है वो आम आदमी तक नहीं पहुँच रही, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जिला स्तर के ऊपर और पार्टी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में जगह जगह स्लम बस्तियों में हमने जागरूकता शिविर लगाए, और उनका मेन उद्देश्य यही है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पार्टी की नीतियां, वो आम आदमी तक को पहुंचाया जाए। दामा जी, देखने में ये आ रहा है कि सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जिन योजनाओं का शुभारंभ करती हैं, वो योजनाएं ज्यादातर पोस्टर तक सीमित रह जाती हैं, उनका लाभ नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। खासतौर से मैंने बताया ना कि अनुसूचित जनजाति जाति और जनजाति, उसके लिए आप लगातार सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं जी। तो क्या क्या एजेंडा लेकर आप लोग चल रहे हैं? देखिए अरुण जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों ही सरकारों ने गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत सी स्कीमें चालू की। अब सवाल यह है कि उनका लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचे। उसके दो ही माध्यम, एक तो सरकारी तंत्र उसका पूरा प्रचार प्रसार करे, और उन योजनाओं को सीरियसली होकर के लागू करे, और दूसरा तंत्र है कांग्रेस पार्टी का अपना तंत्र। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो कांग्रेस की नीतियों को, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का गहन अध्ययन करें। हर व्यक्ति को, हर पदाधिकारी को उस बात का ज्ञान होना चाहिए, और जब भी जहां भी कहीं जाए वो उन कल्याणकारी नीतियों की, उन कांग्रेस पार्टी की नीतियों की, उन योजनाओं की वहां आम आदमी बात करें, तो उसे जागरूकता पैदा होगी। जब लोगों में जागरूकता पैदा होगी तो लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे, और जब आदमी अपने अधिकारों की बात करेंगे तो एक जन आंदोलन उभरेगा, और जन आंदोलन के कारण, जैसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो भी एक जन आंदोलन उभारने की बात कर रहे हैं, और उससे जो सरकार की जो स्कीमें हैं उनका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा। हरियाणा की राजनीति में दंतवत लगभग हाशिए पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो इसमें नहीं कहा जा सकता कोई भी कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा को, जो हरियाणा से एक दलित नेता है और
एकमात्र कैबिनेट की मंत्री हरियाणा सरकार से हरियाणा से केंद्र की सरकार में लिया और बहुत बड़ी जिम्मेवारी सोनिया गांधी जी ने कुमारी शैलजा को सौंप दी। उनका जो विभाग है वो पर्यटन विभाग के साथ साथ जो श्रम डेवलपमेंट का, गरीबों की जो आवास योजनाओं का प्रोग्राम है, स्लम बस्तियों का प्रोग्राम है, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वो उनको सौंपा गया है। तो ये ठीक है कि हरियाणा में उस तरफ ऊपर अभी राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं आया, उसमें अभी कुछ दिन से गीता बुक्कल को बहुत भारी महकमे दे करके और एक नेतृत्व उभारने का प्रयास किया गया है, लेकिन केंद्र में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कुमारी शैलजा कर रही है और एकमात्र हरियाणा की कैबिनेट की मंत्री है, ऐसा मेरा मानना है। दामा जी, अभी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हरियाणा में दलित राजनीति हाशिए पर है। सर जी, ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि आपने देखा केंद्र में हरियाणा से जो कैबिनेट मंत्री ली गई कुमारी शैलजा को लिया गया, वो दलित नेता है, उनका पूरा परिवार राजनीति से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है और उनमें नेतृत्व की क्षमता है और उनको विभाग भी ऐसे दिए गए हैं कि जो गरीबों से संबंधित है। और जहां हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कोई एक जात की, एक वर्ग की राजनीति नहीं करती, वो छत्तीस बरादरी की राजनीति करती है। हरियाणा में भी माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जो दोबारा बने हैं, उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, दलितों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चालू की और जिनका लाभ आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जितने भी बिलो पावर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, उन सबके घरों में बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। पिछली बार सभी दलित बस्तियों में जो लोगों को पानी की टंकियां मुक्त दी गई थी, 100-100 गज के प्लाट दिए गए, और अब शहरों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले विज्ञापन देखा होगा कि हुड्डा ने 4-5 शहरों में विभाग, जो हुड्डा विभाग है, उसने 4-5 शहरों में गरीबों के लिए, स्लम बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग से आशियाने बनाने शुरू किए हैं और उनके लिए प्रार्थना पत्र मांगे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि हरियाणा में दलित नेतृत्व की जो आपने बात कही, ऐसी मेरी अभी सोच नहीं है कि उसमें कहीं कहीं नेतृत्व में कोई कमी। कांग्रेस ने, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की,